अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शराहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली वबिज़नील मा वबिज़नील मा वबिज़नील मा। अच्छा जी, विंटर 2023 का पेपर हमारा चल रहा था जी। अब हम आखिरी सवाल आज करने जा रहे हैं, कुछ नंबर 5A और 5B। 5A 5B को अलग अलग वीडियोज में रखेंगे। 5A में सोर्स ऑफ फाइनेंस है और 5B में इंटरेस्ट रेट हेजिंग जो है वो उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बात को। क्वेश्चन नंबर 5A, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी हसबे रिवायत हम आईकैप के सॉफ्टवेयर पे ही सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें आगे आगे आसानी हो। जिनका आगे BFD ऑनलाइन होगा उनको भी आसानी हो जाएगी, और MSA2 में तो खैर ऑनलाइन है ही। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जरा सवाल निकाल लें 1 मिनट के लिए आप लोग, और अगर सॉफ्टवेयर नहीं खोला है आप लोगों ने तो सॉफ्टवेयर भी खोल लें। मेरे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है जी, प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से मैं सॉफ्टवेयर भी साथ साथ खोल रहा हूँ, और सवाल आपके पास स्क्रीन पे आ गया। ठीक है जी, 1 मिनट, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर मैंने ऑन कर दिया है जी। अब मैं ज़रा बात करूंगा इस पे सवाल पे। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है जी। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं हमसे कि रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट फॉर द रेड बोर्ड दैट रिकमेंड विद रीजन द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ डेट फॉर रेड, इंक्लूड अ कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ डेट। हर डेट की कॉस्ट जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है, और बाकी आपने कमेंट करना है, थ्योरेटिकल आंसर देना है। ये टॉपिक सोर्स ऑफ फाइनेंस से है जी। डेट इक्विटी का जो टॉपिक होता था, हमारे पास पूरा एक सेगमेंट है हमारी किताब में, अलग से हमारे लेक्चर में भी अलग से आता है। वहां से इन्होंने जो है टॉपिक पूछा है। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, काफी आसान सवाल है। इसका पासिंग परसेंटेज भी काफी बेहतर था एज कम्पेयर टू क्वेश्चन 3 एंड 4। सवाल पढ़ेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे 1 जून 2023, मान लीजिए 1 जून 2023 आज इस सवाल को पढ़ने के लिए। रेड लिमिटेड, रेड इज एन ऑल इक्विटी कंपनी लिस्टेड इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। द कंपनी इज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अहमद फराज हैज रिसेंटली जॉइंड द कंपनी एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO। अहमद वाज सरप्राइज दैट द कंपनी वाज ओनली फाइनेंस बाय इक्विटी एंड वुड लाइक टू रिड्यूस द ओवरऑल फाइनेंस कॉस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग डेट इनटू द कैपिटल स्ट्रक्चर। या ये तो बड़ी अच्छी बात थी, कंपनी सारा इक्विटी फाइनेंस है, मगर इनको लगता है कि नहीं यार, इन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, सूद भी आना चाहिए। सूदी बातें कर रही है, अल्लाह इनको हिदायत दे, आमीन। तो ये कह रहे नहीं थी, सूद आना चाहिए ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए। बहरहाल हमें पता है डेट सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, तो इसलिए इनके पास कुछ ऑप्शन हैं। ही हैज आस्क्ड दैट यू अप्राइज द 3 डेट डिफरेंट डेट ऑप्शन एंड रिकमेंड द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर रेड। इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू ईच टाइप ऑफ बोरिंग इज एज फॉलो। 3 आपके पास ऑप्शन है। पहला रिडीमेबल डिबेंचर, अनसिक्योर्ड 10% डिबेंचर ईच विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10,000। 100 नहीं है इस बार वैल्यू, 1,000 नहीं है इस बार वैल्यू। पहले हमने 100 और 1,000 काफी बार देखी है अपने लेक्चर्स में। आज जो वैल्यू है वो 10,000 है। कुड बी इशूड एट पार एंड रिडीम्ड इन 5 ईयर्स टाइम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कन्वर्टेबल डिबेंचर, अनसिक्योर्ड 10% 8% डिबेंचर विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10,000 एंड कुड बी इशूड एट पार। अच्छा, अब आप कहेंगे इसकी कॉस्ट तो वही होगी जब हम इशू करते हैं। देखें, ये बात आपके जहन में आ रही होगी शायद कि जब हम इशू करते हैं तो उस दिन कूपन रेट और मार्केट रेट बराबर होता है। हाँ, तो इधर भी ऐसा ही नहीं है डायरेक्ट कि कूपन रेट जो 10% है यही मार्केट रेट हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, क्या लगता है आपको, क्या कूपन रेट ही मार्केट रेट होगा? कूपन रेट ही मार्केट रेट होता है अगर हम इशू करते हैं पार पे, और रिडीम भी हो रहा हो पार पे। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इशू तो पार पे हुआ है मगर प्रीमियम पे रिडीम होगा। आप चूंकि ये प्रीमियम पे रिडीम होगा, इसकी वजह से हमें थोड़ी जहमत करनी पड़ेगी और कॉस्ट ऑफ डेट निकालना होगा, जो के पीछे भी हमने सवालों में निकाला था। एक सवाल आपको याद होगा 2022 का या 21 का सवाल था, जहां पे डिस्काउंट था। किसी को याद है? 95.8% डिस्काउंट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कुछ इस तरह की बात थी, 22,800 की क्या फिगर थी, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं याद कर पा रहा, मगर मुझे अच्छी इतना याद है कि ये कुछ अटेम्प्ट पहले, कुछ साल पहले ये एक सवाल आया था जिसमें इसी तरह मर्जर एक्विजिशन के साथ मर्ज हुआ हुआ था। तो उसमें भी हमने यही किया था, क्योंकि वो डिस्काउंट पे इशू हुआ हुआ था तो हमने देखा था कि नहीं जी, उसको IRR कॉस्ट निकाल लेते। तो यहाँ भी ऐसा ही, चूंकि प्रीमियम आ रहा है रिडेम्पशन पे। हाँ, अगर ये प्रीमियम पे नहीं होता और पार पे ही रिडीम हो रहा होता तो फिर हम कहते कोई अनोमली नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मगर ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर, अनसिक्योर्ड 8% डिबेंचर विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10,000 कुड बी इशूड एट पार। ईच इशू ऑफ 10,000 डेट मे बी कन्वर्टेड इनटू फाइव ऑर्डिनरी शेयर्स इन 8 ईयर्स टाइम। अच्छा यार, ये अगेन आपको बता, हम डेटा बना लेते हैं। तो डेटा बना लेते हैं, 3 सोर्सेज ऑफ डेट हमारे पास है। डेट रेज करने के 3 सोर्सेज आपके पास है।
पहला सोर्स है रिडीमेबल डेट, दूसरा सोर्स है कन्वर्टेबल डेट, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, रिडीमेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और बैंक लोन। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, रेड करंट शेयर प्राइस 1750 विच कंपेयर फेवरेबली टू 1510 3 years अगो, डायरेक्टर एक्सपेक्ट द फ्यूचर रेट ऑफ ग्रोथ इन शेयर प्राइस टू बी द सेम एज रीसेंट हिस्टोरिक ग्रोथ। करंट शेयर प्राइस ये इसलिए दिया हुआ ताकि आप वो कर सको ना, क्या कहते हैं, कन्वर्टेबल वो निकाल सको, कन्वर्जन वैल्यू निकाल सको। ठीक और 3 साल पहले जो है वो 1510 थी, 3 years बैक। ये डेटा में इन्वॉल्व हो रहे हो, ग्रोथ रेट निकाल लेंगे, अभी हम निकाल लेते हैं। खैर अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं बैंक लोन 10 10 ईयर लोन है, सही है जी। अच्छा इसका वो क्या था, 10% कूपन रेट है का, 8% कूपन रेट है। ठीक है, मैं नेट कॉल भी निकाल लिए ना, रिपोर्ट का फॉर्मेट देख लेंगे, मसला नहीं है इतना, रिपोर्ट का फॉर्मेट को इतना बड़ा इशू नहीं होता, इट नॉट अ बिग डील। और बैंक लोन के बारे में क्या कह रहे हैं, द पीबीवाई बैंक विल प्रोवाइड अ 10 ईयर बैंक लोन विद अ फिक्स इंटरेस्ट ऑफ 7% सिक्योर्ड ऑन रेड हेड ऑफिस बिल्डिंग इन कराची, सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, ये अनसिक्योर्ड था, इसमें अच्छी बात ये सिक्योरिटी नहीं देनी है, ये भी अनसिक्योर्ड है, इसमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है, जब भी रेट ज्यादा लग रहा है, अब ये चूंकि सिक्योर्ड है इसीलिए इसने शायद रेट कम ऑफर किया 7%, द बैंक लोन वुड कम विद सेवरल कोविनेंट्स एंड एक्स्ट्रा इज नोटेड बिलो, कुछ कोविनेंट आएंगे, कुछ शराइत हैं, IMF की शराइत पूरी करनी होती है ना भाई, तो इस तरह इस बैंक की भी शराइत है जी, जब एक बैंक आप देखें कि एक लोन देते हुए कितनी शराइत डाल रहा है एक आम सी कंपनी को, तो IMF आपको क्या क्या शराइत डालता होगा लोन देने के लिए, अल्लाह हमें हिदायत दे, हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे, आमीन। अच्छा आगे चलते हैं, इंटरेस्ट कवर्ड, इंटरेस्ट कवर रेशियो शुड नॉट फॉल बिलो 3, इंटरेस्ट कवर 3 से कम नहीं होना चाहिए, बैंक कह रहा है द रेशियो शुड बी कैलकुलेटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड, ये नहीं होगा कि साल में कैलकुलेट हो रहा है, नहीं हर क्वार्टर में कैलकुलेट करके बैंक को बताना होगा कि हाँ जी हमने इसको 3 से ऊपर ऊपर रखा हुआ है, करंट रेशियो शुड नॉट फॉल बिलो 1.5, द रेशियो शुड बी कैलकुलेट ऑन मंथली बेसिस, ये नहीं क्वार्टरली, इसको तो और क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। टैक्स रेट 29% है, प्रिपेयर रिपोर्ट शॉर्ट रिपोर्ट फॉर रेड बोर्ड दैट रिकमेंड विद रीजन द मोस्ट सुटेबल फॉर्म फॉर ऑफ डेट फॉर रेड, इंक्लूड अ कैलकुलेशन इंक्लूडिंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ डेट। अच्छा रिपोर्ट में यार, रिपोर्ट का मैं फॉर्मेट बताया था, कोई मसला नहीं है, रिपोर्ट का फॉर्मेट आप लिख लें, मगर कोई वर्किंग है जो हमें पहले करनी चाहिए, रिपोर्ट का फॉर्मेट ये है कि आप पहले हेडिंग डाल दें रिपोर्ट है ये, ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहते हैं लिख दिया सिलेक्शन ऑफ डेट, हेड सब्जेक्ट डाल दिया, सिलेक्शन ऑफ डेट फॉर प्रैक्टिकली, हमने सूद से बचना भी है और दूसरों को भी बचाना है, ठीक है ना, रेट लिमिटेड। प्रिपेयर फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रिपेयर बाय ABC और डेट आपने रख दी 1 जून, जो पेपर की डेट है, लेट से अब उसने कहीं लिखा है 1 जून मान लें आप,
ठीक हो गया जी, ये रिपोर्ट के फॉर्मेट में शुरू में आ जाता है, कोई इसी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम असल बात करने जा रहे हैं जी। हमने एक थोड़ा सा वो बना ली, 3 दिन के डेट है। ठीक है, थ्री पॉसिबल पॉसिबिलिटीज फॉर डेट फाइनेंस, थोड़ा थ्योरेटिकल टच देना पड़ेगा। समरी ऑफ देयर कॉस्ट इज एज़ फॉलोज, इनकी कॉस्ट निकालनी है हमने। ठीक है, तो पहले है अनसिक्योर डिबेंचर्स, इनकी कॉस्ट अभी निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अल्लाह भला करे आपके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और फिर अल्लाह भला करे बैंक लोन। बैंक लोन सबसे आसान है जी, सबसे आसान बैंक लोन है, प्रैक्टिकली सबसे मुश्किल होता है जी। अच्छा, इनमें IRR निकालना पड़ेगा, KD निकालना पड़ेगा ना, मतलब KD 1-ST निकालना पड़ेगा, जो कॉस्ट होती है KD 1-ST होती। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट, ये स्ट्रक्चर बना के रख लेते हैं ऊपर, जो आएगा वो फिर हम पुट कर देंगे। ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर एक ही है। ठीक है जी, अच्छा अब ये हम लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। पहले हम जरा स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालेंगे यार, KD 1-T निकालना आता है आप, कैसे निकालते हैं KD 1-T? हाँ जवाब दें, ठीक हाँ जी, IRR निकाल लें। ठीक तो याद होगा आपको एयर आता है, कैश फ्लोज डिस्काउंट फैक्टर, ठीक प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर, ठीक प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, IRR डायरेक्ट कैलकुलेटर में नहीं निकालिएगा, बिल्कुल उसकी वजह सुन ले क्यों, क्योंकि देखें अभी तक जो ICAP सोल्यूशन दे रहा है ना और मार्किंग प्लान दे रहा है, उसमें IRR निकालने का ही मार्क्स है, उसमें IRR निकालने के ही मार्क्स है, मेरी बात समझ रहे हैं, उसमें ये शॉर्टकट के मार्क्स नहीं है, तो ये ना हो कि आप शॉर्टकट लगाएं और आपको मार्क्स ना मिले तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, सही ना, आपको अगर मार्क्स नहीं मिले तो गड़बड़ हो जाएगी ना यार, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें वो काम करना है जिससे पेपर में मार्क्स मिले। ठीक है जी, तो हम क्या कह रहे थे, तो बैंक लोन का रेट निकालने के लिए बिल्कुल IRR नहीं करते बैंक लोन के लिए, क्योंकि बैंक लोन की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है ना, अभी जब मैं बैंक लोन पे आऊंगा तो बात करूंगा, बैंक लोन की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, बैंक लोन ट्रेडेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, सेलेबल नहीं है, डिबेंचर की वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मार्केट में किसी को आप बेच भी सकते हो, ट्रांसफर भी कर दो, अगर मार्केट में रेट बढ़ गया तो ये महंगे दामों बिक जाए, क्योंकि क्योंकि सॉरी मार्केट में रेट कम हो गया तो ये महंगे दामों बिक जाएगा, क्योंकि ये तो ज्यादा रेट दे रहा होगा। बैंक लोन में ऐसा कुछ नहीं है, रिजिड है, रिजिड, ठीक है, तो मैं अभी बात भी करता हूँ बैंक लोन पे आके। अच्छा हम बात करें इस पे क्या नाम है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर से बात करें, तो हमारे पास है ईयर 0, फिर रिडेम्पशन मार्केट वैल्यू आ जाएगी,
आज हमने इशू 10,000 का किया, तो हम एज्यूम करें इसकी मार्केट वैल्यू 10,000 है, मार्केट वैल्यू नेगेटिव में आती है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि देखिए टैक्स रेट दिया हुआ है कितना होगा, 1 से लेके 5 ईयर्स तक है ना, 10,000 × 0.08 × 1 - सॉरी पॉइंट कितना, 10% 0.1 × 1 - टैक्स रेट 10% है ना भाई, ये देखें 10% ये रहा, कूपन रेट 10% है, आसान सी कहानी है जी। रिडेम्पशन महंगे पे हो रही है, सॉरी यार ये उल्टा ही तो दब जाता है तो गड़बड़ होती है। रिडेम्पशन जो है वो 10% ज्यादा पे हो रही है, × 1.1 प्रीमियम 10%, डिस्काउंट बेटे क्या यूज करें, 10% यूज कर ले पहले, हाँ पहले 10% ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। 10% का मेरा फेवरेट 3.791, इसके मुझे याद है डिस्काउंट फैक्टर 0.621। ये एनुटी टेबल पेपर में मिल जाएगा आपको, आप एग्जामिनर से रिक्वेस्ट करिएगा आपको मिल जाएगा एनुटी टेबल। नेगेटिव आ रही है जी एनपीवी, नेगेटिव आ रही है जी एनपीवी, क्या कहते हैं अब आप, मार्केट वैल्यू डेट निकालने के लिए नहीं करना होता ध्यान, जब मार्केट वैल्यू निकाली जाती है तो आपको पता है मार्केट वैल्यू डी होती है, डी याद आ रहा है, जब बैक पढ़ा था तो एक डी होता है, डी मीन्स ग्रॉस फिगर, डी मीन्स ग्रॉस फिगर, मगर जब मार्केट रेट निकाल जाता है तो हमें KD 1 - T चाहिए होता है, वैक के अंदर KD नहीं आता, KD 1 - T आता है, यानी कि KD के साथ 1 - T लगा होता है मगर D के साथ 1 - T नहीं लगा होता, इसका मतलब जब D निकाला जाता है तो हमें ग्रॉस चाहिए होता है, बिफोर टैक्स चाहिए होता है, अकेला D चाहिए होता है, नेट ऑफ टैक्स नहीं चाहिए होता, तो इसलिए जब मार्केट वैल्यू निकालते हैं तो हम इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स नहीं करते, मगर जब मार्केट रेट निकालते हैं तो इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स कर देते हैं, कर देते हैं, मेरी बात समझ आ रही, ठीक है जी। इसको सही है रेहान, याद आया, मार्केट वैल्यू निकालते हुए नेट ऑफ टैक्स नहीं करेंगे, और मार्केट रेट निकालते हुए नेट ऑफ टैक्स कर देंगे, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अच्छा अब 10% में नेगेटिव आ गया, क्या करें, रेट बढ़ाएं कम करें, रेट बढ़ाएं कम करें, सही कह रहे हैं HP, 8% कर लें, 7% कर लेते हैं, 8 पे ये ना हो कि और वो हो जाए क्लोज, 7 करके देखते हैं 7 पे क्या आ जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा 0 और 10,000, सॉरी 7 पे क्या आ रहा है वो एनुटी का फैक्टर, 1 से 5 लगाओ 7 पे क्या आ रहा है, 4.1 आ रहा है, अच्छा और कितना आ रहा है, 0.713, कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करना है, कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करना है, प्लस में आ गया 754, मेरी बात समझ आ रही, चेक कर लें एक दफा यार, पॉइंट 713 और 4.1, 754 आ रहा है जी, ठीक है। आर वी क्लियर, अब आई आर आर निकाल लेते हैं, आई आर आर कैसे निकलता है, आई आर आर के लिए फॉर्मूला आपको पता है, ये हम अनसिक्योर्ड डिबेंचर के लिए काम कर रहे हैं, ये हमने कहीं कॉपी कर लिया, आईआरआर का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई इंटू ए अपॉन ए माइनस बी 750, ये 7% × 3%
-477। ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये रन जी, कितना आ रहा है ये रन? एट पॉइंट एट फोर, 8.84 आ रहा है जी। तुम और आंसर भी आ सकता है अगर आपने 10 और 7 की जगह कोई और डिस्काउंट फैक्टर लिए, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, बस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए है। क्या ये बात समझ आती है? आज भी क्लियर ले दिस पॉइंट। ओके जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसकी कॉस्ट आ गई 8.84, ऊपर कहीं लिख लेते हैं। ठीक है, कन्वर्टेबल डेट को देख लेते हैं, सॉरी हाँ कन्वर्टेबल डेट, ये तो हो गया, आइए हमने निकाल लिया। कन्वर्टेबल डेट के लिए भी यही स्ट्रक्चर फॉलो कर लें, यही कॉपी कर लेते टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर, इसमें हमको क्या करना पड़ता था, याद करें याद करें, इसमें वो करना पड़ता था ना कि यार कन्वर्जन वैल्यू निकालनी पड़ती थी। वो भी निकाल लेते हैं, अगर पहले हम इस पे कन्वर्जन वैल्यू निकाल लें, शेयर प्राइस निकाल लें, टारगेट ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं पहले, ये हमने पहले कहीं लिखा है डेटा बनाते हुए तो कॉपी कर लिया। ग्रोथ इन शेयर प्राइस, ग्रोथ इन शेयर प्राइस निकाल लें ताकि एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल सके। यार याद करें आपको अगेन इसमें भी वो निकालनी पड़ेगी IRR के थ्रू, मगर मसला ये है कि यहाँ पे हमारे पास अगेन एक प्रॉब्लम है, रिडेम्पशन कन्वर्जन पे से चेक करना पड़ता है कि पहले के हमारे लिए बेहतर क्या है, कन्वर्जन बेहतर है या रिडेम्पशन बेहतर है। तो ग्रोथ इन शेयर प्राइस निकालने के लिए आपको याद होगा हम क्या करते थे, 1750 डिवाइड बाय 1510, या हम ये कह सकते हैं ग्रोथ इन शेयर प्राइस को हम जी कर लेते हैं जी। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1750 हुई है 3 सालों बाद, 3 सालों पहले, यानी कि अगर मैं आज 2023 में हूँ, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे लोग गलती कर लेते हैं, जरा गौर से देखिएगा, इसमें गलती नहीं करनी है। अगर आप 2023 में खड़े थे जब ये पेपर आया था, और ये कह रहे 3 साल पहले जो है वो 2015 वो थी 10 थी, तो उस वक्त 2000 होगा ना, तो मुझे बताएं कितनी ग्रोथ लगी होंगी इस दौरान, कितनी ग्रोथ लगी होंगी। 1510 से ये 1750 हो गया है, इस पे कितनी ग्रोथ लगी होंगी, ये मेरी अर्ज है, मुझे बता दीजिए प्लीज, पार्टिसिपेट करें। 3 साल पहले की प्राइस बताई हुई है और आज की प्राइस बताई हुई है, लेट से 2020 और 2023, 2000 नहीं सॉरी 2020, तो मुझे जरा बताइए क्या समझते हैं आप, आपको क्या लगता है कितनी बार ग्रोथ हुई है, 4 बार ग्रोथ हुई है, 3 बार ग्रोथ हुई है या 2 बार ग्रोथ हुई है। मैं आपको सबूत भी दूंगा, मैं आपको सबूत भी दूंगा, रेहान गलत कह रहे हैं, दूसरे साहब HP गलत कह रहे हैं, बाकी भी गलत कह रहे हैं, और भी गलत कह रहे हैं, अभी तक एक सही जवाब नहीं आया यार। कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 2, हालांकि मैं आपको सबूत दे देता हूँ भैया, देखो 2020 में शेयर प्राइस थी 1510, क्या मैं कहता हूँ 2020 के बाद एक ग्रोथ लगी होगी तो 2021 आया होगा, जब एक ग्रोथ लगी होगी तो 2021 आया होगा, एग्री करते हैं, एक ग्रोथ लगी होगी तो 2021 आया होगा, 1 साल बाद 2021 आया होगा, जब पहली बार ग्रोथ लगी होगी तो 2021 का डिविडेंड आया होगा, फिर दूसरी बार ग्रोथ लगी होगी तो 2022 का डिविडेंड आया होगा, मेरी बात समझ आ रही है?
हाँ 2022 का डिविडेंड आया होगा, और फिर उसके बाद जब तीसरी बार ग्रोथ लगी होगी तो 2023 का डिविडेंड आया होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही? लॉजिक रटा वटा नहीं लगाना है भाई, पूरे बीएफडी में लॉजिक्स हैं। मैंने आपको देखे यहाँ पे आराम से, अगर चले टाइमलाइन में बना नहीं पा रहा क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में टाइमलाइन बनाने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि 2020 3 साल पहले, 2023 आज, तो अगर मैं 2020 से 23 के सफर को देखूं, नहीं तो 2020 में बिल्कुल ग्रोथ लग गई होगी, तो मैं तो 2020 में ग्रोथ लगा ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो 2020 वाले पे ग्रोथ लगाएंगे तो 2021 का आएगा, जब पहली बार ग्रोथ लगाएंगे तो 2021 का आंसर उसके बाद आएगा। क्या कहते हैं रेहान, मेरी बात समझ आ रही है? 2020 वाले पे जब आप ग्रोथ रेट लगाएंगे तो उसके बाद 2021 का आंसर रेडी होगा ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा। 2020 में ग्रोथ लगी हुई है, बिल्कुल सही है, मगर 2021 तक पहुंचने के लिए पहली ग्रोथ लगानी पड़ेगी, 2022 तक पहुंचने के लिए दूसरी ग्रोथ लगानी पड़ेगी, 2023 तक पहुंचने के लिए तीसरी ग्रोथ लगानी पड़ेगी। ये गलत हो जाएगा, तो इतने आसान सवाल में आके इजी मार्क्स लूज हो जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ हरगिज नहीं होने चाहिए। कर ले यार जरा जल्दी से, 1750, 1510 की पावर 1/3, ये मैं वो कर रहा हूँ -1 जी, ये सॉल्व करो आप, उसको अपने तरीके से सॉल्व कर लें, आपको मैथ्स आती है, आप अपने तरीके से सॉल्व करें। ग्रोथ रेट निकाल लें, फाइव परसेंट आ रही है ग्रोथ रेट, ये देखिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया भाई एक्सेल पे, 5.04 बिल्कुल सही आया जी, 5% आ रही है। तो ग्रोथ इन डिविडेंड नहीं है, ग्रोथ इन शेयर प्राइस है। हाँ शेयर प्राइस है टाइम ऑफ कन्वर्जन। आज शेर भाई 1750 है करंट, आज से 8 साल बाद ना यार, 2020 से 8 साल बाद नहीं, 2020 से 8 साल बाद नहीं। देखें ये भी गलती हो जाती है कभी कभार देखने में, ये गलती भी नहीं करनी है कि पहले 2020 वाले पे लगा दिया 8 साल बाद, वो कह रहे हैं 8 साल बाद कन्वर्जन होगी, देख लें, देख लें जरा गौर से, वो कह रहे हैं 8 साल बाद कन्वर्जन होगी, देख लें आप जरा, 8 साल बाद कन्वर्जन होगी, तो 8 साल बाद जो कन्वर्जन होगी वो इस प्राइस पे, 8 साल बाद यहाँ से नहीं होगा, वो 2023 से होगा 8 साल, जहां पे आप खड़े थे वहां से होगा, करंट डेट से 8 साल बाद होगा। तो अब आप जब एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस निकालेंगे 8 साल बाद की, तो आप 1750 पे लगाएंगे, 1+0.05 की पावर, जो फॉर्मूले मुझे नीचे लिखने हैं मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला मुझे नीचे लिखना है मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास आंसर आ जाए। कॉमा नहीं आना चाहिए, 2585.5, ठीक है, नीचे मैंने वर्किंग की हुई है, 2585.5। पॉइंट फाइव फोर या सिक्स भी कर सकते, चलो 5 रहने दो। ठीक है जी, बात समझ आ गई, कन्वर्जन वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा, टू ऑप्शंस, आइदर कन्वर्जन और रिटर्न, ये फैसला करना पड़ता है। कन्वर्जन वैल्यू टू फाइव एट फाइव पॉइंट फाइव इंटू कितने शेयर, 5 शेयर, कितना बनता है भाई? 1297.5। और रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है?
रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है, मे बी कन्वर्टेड, ऑब्वियसली कुछ मेंशन नहीं है, इशू तो पार पे ही हो जाएगा ना। क्या लगता है आपको रिडेम्पशन या कन्वर्जन, क्या लगता है आपको? याद करें, पहले बात हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, शेयरहोल्डर के एंगल से देखा जाएगा। डेट होल्डर्स के एंगल से देखा जाता है। ठीक है जी, तो अब इसकी कंप्यूटेशन निकालेंगे आईआरआर के थ्रू। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देख लें, ईयर 0 वन से 5 नहीं करेंगे, 1 से 8 करेंगे, क्योंकि 8 साल का अर्सा है। रिडेम्पशन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, कन्वर्जन लिखेंगे। वो ऊपर से स्ट्रक्चर कॉपी किया हुआ है हमने, तो ओवरराइट भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। रेट 8% नहीं है, 10% नहीं है, 8% है। वैल्यू वही 10,000 है मेरे ख्याल से, और रेट 8% है। ये देखें, चेंज कर दिया मैंने, चेंज कर दिया, ये नहीं कि सारी ऊपर वाली फिगर आ जाएगी। और कन्वर्जन वैल्यू कितनी आ रही है, 12 1297.5, और 10% पे काम कर लिया हमने पहले ही, मगर ये 3.791 नहीं होगा, ये चेंज होंगे यार। ये ख्याल है कि ये ना हो कि आप शॉर्टकट के चक्कर में सब ऐसी तैसी कर दे। 0.4665, फाइव पॉइंट थ्री थ्री फाइव, नेगेटिव आ रहा है 10 पे जी, क्या करें? 10 पे नेगेटिव आ रहा है, क्या करें? रेट कम कर दें जी, 7 कर लेते हैं पहले की तरह। मगर ये पहले डिस्काउंट फैक्टर यूज नहीं होंगे, वो 5 सालों पे थे, ये चेंज हो गया है गेम। 0.582, सॉरी 582, फाइव पॉइंट नाइन सेवन वन, 915 प्लस हो गया जी। आईआरआर निकाल लेते हैं, आईआरआर दोबारा इसलिए निकाल लें रियान, क्योंकि ये डेट अलग है, पुराना डेट अलग था, वो था रिडीमेबल डिवेंचर्स, ये कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। देखें, जाए चेक करें, उसका 5 साल लाइफ थी, इसके यार ये 3 ऑप्शन अलग अलग है ना, 3 डिफरेंट डेट ऑप्शन है ना यार। तो रिडीमेबल अलग है, कन्वर्टेबल अलग है, दोनों की मार्केट प्राइस वैल्यू भी अलग अलग है, दोनों का हिसाब किताब भी अलग अलग है। इसमें कन्वर्जन नहीं थी, ऊपर वाले में नीचे में कन्वर्जन थी, एयर भी अलग अलग है, कूपन रेट भी अलग अलग है, तो रेट तो निकालना पड़ेगा, बैंक लोन अलग है, तीनों अलग अलग बातें नहीं है, क्या कहते हो? हाँ मेरी बात समझ आ रही है, वापस क्यों निकाल लें? आईआरआर निकाल लेते हैं वापस से, ठीक हो गया ना? सही आ गया 9। आईआरआर निकालने के लिए 10 और 7 है वही, मगर फिगर चेंज हो गई है, 915 प्लस में, 915 प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। आईआरआर कितना आ रहा है, देखें चेक करें आईआरआर क्या आ रहा है। एट पॉइंट फोर एट, 8.48, 8.5 कर लें। एट पॉइंट फाइव, अब लास्ट रह गया बैंक लोन। बैंक लोन तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, फिर कमेंट करके ये पार्ट एंड करते हैं।
बैंक लोन में क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू निकालेंगे नहीं निकालेंगे, क्या करते थे बैंक लोन में? सिंपल सिंपल सिंपल। हाँ भाई, बैंक लोन में क्या किया जाता है, डायरेक्ट नेट ऑफ टैक्स कर दिया जाता है, क्योंकि इसका मार्केट वैल्यू है ही नहीं, क्या इनके लगाया जाता है, तो कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो बैंक लोन में हम थर्ड केस में ऐसा ही कर लेते हैं। ये थोड़ी सी थ्योरी लिख लेंगे, थ्योरी क्या हुआ, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। कितना बन गया जी? 4.97। तो बहुत सस्ता आ रहा है, 8.5%। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ रही है, मैं इसकी कमेंटिंग करवाता हूँ अभी। पहले बताइए, यहाँ तक बात क्लियर है? आर बी क्लियर टिल दिस पॉइंट? हाँ ठीक है, इसको नोट करें जरा प्लीज, बात को आगे बढ़ाते हैं, नोट करें बात को आगे। अच्छा जी बताएं क्या लिखा जाए इसमें, रिक्वायरमेंट में वापस देख लेते हैं, क्या कह रहे थे हमसे? कॉस्ट ऑफ डेट निकालने को तो बोलता है, प्रिपेयर शॉर्ट रिपोर्ट डेट रिकमेंड विद रीजन द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ डेट ऑफ फॉर डेट। मोस्ट सुटेबल रीजन क्या लग रहा है आपको? हाँ बारी बारी बात कर लें किसी पे, बारी बारी बात कर लें किसी पे। हाँ ऑब्वियसली होल्डर के परस्पेक्टिव से, मतलब लेंडर के नहीं, होल्डर के परस्पेक्टिव से नहीं करना, कंपनी को फाइनेंस लेना है ना, कंपनी ने डेट फाइनेंस लेना है, तो कंपनी के एंगल से बात करनी है। मेरी बात समझ आ रही? कंपनी के एंगल से बात करनी। ठीक है जी। अच्छा अब हम पहले बात कर लेते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स पे। दे आर मोस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव, ऐसा ही है, मोस्ट एक्सपेंसिव 8.84%। हाँ बिल्कुल, बैंक लोन सबसे सस्ता है, तो पहले बार बार कमेंट करते हैं, दे आर दी मोस्ट एक्सपेंसिव, की थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। हाउएवर इट इज अनसिक्योर्ड, दैट इज नो नीड टू प्रोवाइड एसेट्स टू डेट होल्डर्स फॉर सिक्योरिटी। ठीक है जी, मॉर्गेज चार्ज क्रिएट करने का कोई मसला नहीं है, फर्दर इसकी लाइफ भी कितनी है? ठीक है, तो 5 साल है, तो इसका मतलब क्या है? नीड्स टू बी पेड इन 5 ईयर्स। विच इज शॉर्टर देन अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है ना, कंपेरिजन में तो यही होगा ना, अदर से कंपेयर करेंगे, अदर सोर्सेज ऑफ डेट्स। हाउएवर ये नेगेटिव है, इसके अगेंस्ट जा रहे हैं सारे ड्यू टू लिस्टिंग इन द मार्केट।
जेड इज इजी टू रिडीमल डिबेंचर्स आर इजी टू ठीक है जी। हमने थोड़ा सा कमेंट कर दिया रिडीमल डिबेंचर पे, रिपोर्ट है ना यार। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्या कहेंगे, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में कहेंगे कि कॉस्ट इज स्लाइटली लोअर देन रिडीमेबल डिवेंचर्स। हाउएवर स्टिल सिग्निफिकेंटली हायर देन बैंक। ठीक है जी, बैंक लोन से ज्यादा आपको एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। इट ऑफर्स एक ऐसा एडवांटेज ऑफर कर रहा है, एडवांटेज टू इट होल्डर इन द विच इज नॉट ऑब्लिगेटरी एंड ओनली एप्लीकेबल फेवरेबल फॉर डेट होल्डर। कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर फर्दर, इससे डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो सकता है। फर्दर अच्छा इसमें एक मसला था, कॉस्ट डेड अज्यूम्ड ग्रोथ एंड शेयर प्राइस 5% विच वाज विच रिलेट्स टू पास्ट ईयर ट्रेंड एंड मे नॉट नेसेसरली रिपीट इन फ्यूचर। देखें पास्ट में ये हुआ है ना, 3 साल से ऐसा हुआ है ना, देयर फॉर पास्ट डाउट्स ऑन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, ये एक बात हमें डिस्क्लेमर देना चाहिए कि भाई कन्वर्टेबल डिवेंचर में हमने एज्यूम किया है, जो कि थोड़ा सा रिस्की बात है। हमने एक एस्टिमेशन में काम किया है जो कि एक्चुअल नहीं है। लास्टली दे कैन डाइल्यूट कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ कन्वर्टेबल। लेकिन थियोरेटिकल बातें लिखनी पड़ेंगी, चाहे अच्छा लगे ना लगे आपको। इसको लेके लग नहीं रहा कि ये रिकमेंडेड है। बैंक लोन के बारे में बात करते हैं, कंक्लूजन देंगे और ये पार्ट खत्म करेंगे। बैंक लोन के बारे में क्या कहेंगे आप, इट इज द लोएस्ट कॉस्ट ऑप्शन टू रेज डेट अवेलेबल टू डेट। नाम भी आना चाहिए, लगे कि आपने स्पेशलाइज लिखा है, कुछ छापा नहीं है ऐसे ही, कोई आप रट्टा लगा के आगे किसी दूसरे सवाल का पेपर में, ऐसा नहीं है। रेड का नाम आना चाहिए। ठीक है, हाउएवर इसमें मसला क्या है, हाउएवर बिफोर द फॉलोइंग
पहला ये कि सिक्योरिटी नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू द बैंक अगेंस्ट ये ऑफिस था ना, हेड ऑफिस था ना उसका, शायद क्या था भाई, ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग और क्या था, और कोविनेंट्स नीड्स टू बी मेंटेन, इससे नुकसान क्या होगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट, रेड मे नॉट बी एबल टू यूज इट्स प्रेमिसेस एंड डिफॉल्ट अमाउंट विल बी रिकवर्ड थ्रू सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये जहन में रहे कि भाई बिल्डिंग चली जाएगी आज से, कोविड नीड्स टू बी मेंटेन्ड और इंटरेस्ट कवर नीड्स टू बी मेंटेन्ड एवरी क्वार्टर, करंट रेशियो ऑफ ये क्या हुआ, एक मिनट, अच्छा कंटिन्यू करते हैं बात को। तो हमने फाइनली बस कंक्लूजन देना है, बाकी बातें तो हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, सही है ना, कि वो मेंटेन करना है उसको, करंट रेशियो भी मेंटेन करना है और वो भी करना है। कंक्लूजन ये है कि बैंक लोन, ये मैं सेपरेट स्क्रीन पे कर रहा हूँ, इज प्रेफरेबल ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स, सॉरी ऑन बेसिस ऑफ लोएस्ट कॉस्ट फर्स्ट नीड्स टू कंसिडर कोविनेंट्स एंड सिक्योरिटी अटैच विद इट। ठीक है जी, तो रिपोर्ट बनाना कोई मसला नहीं था, हमने इसको देख लिया। क्या ये बात समझ आती है, मुश्किल सवाल तो नहीं था यार, पेपर में संभाल लोगे, जवाब दो। चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अब लास्ट 5 भी है इंटरेस्ट रेट हेजिंग का सवाल, जिसको हम करेंगे ताकि हमारा जो है वो एंड हो जाए। ठीक है जी, बात समझ आई, ठीक है, चलिए ओके, बेस्ट हो गया। अब हम अगले वीडियो पे चलते हैं, सही है, चलें, अगला वीडियो में मिस नहीं करना है, 5 भी वेरी गुड क्वेश्चन।